जैसा कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ये सब चीज़ हमारी सुरक्षा के लिए किया गया है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे बीच में इस तरीके की कंडीशन आ चुकी हैं इस समय में कि हमें लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। फिलहाल स्कूल और सिनेमा और ऐसी चीज़ें जिस जगह पर भीड़ ज़्यादा एकत्रित होती है, उन चीज़ों का खुलना मुश्किल है, तो हमें पढ़ाई के नए तरीके खोजने होंगे। आप बुक से पढ़ने की आदत डाल रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि समय बदलाव चाह रहा है। समय चाहता है कि आप बदलते समय में बदलते तौर तरीके अपनाएं और अपनी पढ़ाई और अपने कार्य को पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कार्य करते रहें। हमारा विशेष जो फोकस रहेगा पढ़ाई पर रहेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जो आपकी स्टडी है वो डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से एक तो पैनिक ना करें और मन लगाकर पढ़ें। तो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो भारत का एकीकरण, भारत के एकीकरण में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कश्मीर के एकीकरण की। अभी जो बात करने वाले हैं उसके लिए आपको कश्मीर के एकीकरण का भाग एक देखना जरूरी है, क्योंकि आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता के चलता हूँ कि पिछले भाग में हमने क्या किया था और हम आगे आज शुरुआत करने वाले हैं उसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने पिछले भाग में देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर पे ट्रायल मुस्लिम ने अटैक कर दिया था। ट्रायल मुस्लिम्स की जो सेना थी, जिसे आज़ाद कश्मीर सेना बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर सेना में अकबर खान पाकिस्तान का एक अधिकारी भी था और कुछ पाकिस्तान की सेना के कुछ और सैनिक भी शामिल थे। तो उन्होंने क्या किया था, 26/10/1947 को पूरे श्रीनगर को घेर लिया था। उसके बाद 27 को जो है भारत की तरफ से सेना भेजी गई और युद्ध शुरू हो गया। फिर ये लड़ाई चली रही थी, उसी बीच में 31/12/1947 को जवाहरलाल नेहरू कहाँ चले गए, यूएन चले गए। अब देखिए यूएन में भारत का क्या स्टैंड रहा, आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यूएन में भारत का क्या स्टैंड रहा, यूएन ने क्या बताया और क्या उसका रेजुलेशन आया, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ये बात आई कहाँ से, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की बैठक हुई। मोहम्मद जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन को लाहौर बुलाया था मीटिंग के लिए कि कश्मीर मुद्दे पर हम बात करेंगे। जब बात शुरू हुई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हम इस बिले पत्र को नहीं मानते, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वो हमारे पक्ष में आना चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि आप इस बिले को कैसे नहीं मानते, राजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किया है और उस पर मैंने सिग्नेचर किया, आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, ये तो बिले हो चुका है। फिर वो बोले कि जिस तरीके से जूनागढ़ में जनता ने विद्रोह किया था उस तरीके से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि यहां पर प्लेबिसाइट करवाना चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला उसके लिए तो हम एग्री हैं, मेरी नेहरू से बात चल रही है, जैसे ही मामला शांतिपूर्ण होगा हम प्लेबिसाइट करवाएंगे। यहां पर ही एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, 2 नवंबर को एक भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह बोल दिया कि कश्मीर के मुद्दे का हल हम प्लेबिसाइट से करवाएंगे। बस यहीं से सारी स्थितियां बदल गई। कहते हैं कि इस भाषण की वजह से ही आज तक प्लेबिसाइट की मांग उठती रही है कि वहां का जो निर्णय है वो प्लेबिसाइट से किया जाना चाहिए। अब नेहरू जी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे, उनका कश्मीर से बहुत ज्यादा लगाव था। और दूसरी बात यह थी कि अभी अभी तो साम्राज्यवाद से छूटे हैं और अभी अभी से हम किसी दूसरे स्वतंत्र रियासत पर कब्जा कर लें, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो ग्लोबल नेता थे, थोड़ा सा अपनी उस परछाई के साथ कॉन्शियस रहते थे, कहीं बात बिगड़ ना जाए। इस वजह से उन्होंने यह फैसला किया कि हम किसी पर कब्जा नहीं करेंगे, हम वहां पर क्या कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे। देखिए मैं ये बोलता हूं कि देश के मामले में शुद्ध आदर्शवादी होकर
सोचना ना फैसला करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप शुद्ध आदर्शवादी होकर सोचेंगे या फैसला करेंगे तो आप यथार्थ को नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको यथार्थ को समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? उस समय में लद्दाख और जम्मू वो तो भारत के पक्ष में था, ये जवाहरलाल नेहरू को पता था, और वैली के अंदर यानी कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम आबादी तो थी, ये बात मानने वाली है, लेकिन वहां पर उस समय शेख अब्दुल्ला की इस तरीके की पॉपुलरिटी थी जैसा कि आज के समय में आज की सरकार की है। तो उन्हें पूरा पता था कि शेख अब्दुल्ला अपनी जनता से हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाना, हमें कश्मीरियत पर काम करना है, हिंदू मुस्लिम देख के नहीं करना है। तो उन्हें पूरा पता था कि जम्मू और लद्दाख तो हमारे पक्ष में है, और रही कश्मीर की बात, और कश्मीर के पक्ष में कौन है? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला आना चाहता है भारत में, क्योंकि भारत क्या है? लोकतांत्रिक है और धर्मनिरपेक्ष है, यहां पे तो कोई भी जाति का लोग आ सकता है। इसी वजह से उन्हें हमेशा लगता था कि जितना परसेंट उन्हें विश्वास था जूनागढ़ पर, यदि हम जूनागढ़ पर प्लेबिसाइट ना भी करवाते तो हमें कोई रोक नहीं सकता था, बट फिर भी प्लेबिसाइट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि पूरा का पूरा विश्वास था कि वहां के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। सेम नेहरू जी को हमेशा पूरा का 100% विश्वास था कि जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत में मिलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि हम प्लेबिसाइट से ही इस मुद्दे का सॉल्यूशन निकालेंगे। यह युद्ध चल ही रहा था, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी बताया है कि यह युद्ध लगभग सवा साल चला, और 31/12/1947 31/12/1947 ठीक है, भारत सरकार यूएन चली गई। अब यूएन की समय बहुत ख्याति थी और जवाहरलाल नेहरू को बहुत विश्वास था यूएन के ऊपर। अब यूएन में क्या स्टैंड रखा गया, ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहले मैं कुछ मुद्दे पर आपको प्रकाश डाल दूं। जो लोग ये सोचते हैं कश्मीर की स्वतंत्रता के पक्ष में जो लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि यदि आप ब्ले पत्र को देखेंगे तो ब्ले पत्र की भाषा ऐसी है कि राजा इंश्योर करके गया था कि कश्मीर की स्वतंत्रता बरकरार रहे, मगर मैं इस बात को मानता नहीं हूं, क्योंकि जो ब्ले पत्र, जो एक्सेशन लेटर टाइप हुआ था वो 1947 में टाइप हुआ था, और जितनी भी रियासतों ने साइन किए थे वो सेम ब्ले पत्र पे किए थे, किसी भी रियासत का ब्ले पत्र अलग अलग नहीं है, सेम ब्ले पत्र पर सभी ने सिग्नेचर किए हैं, तो कश्मीर ने भी उसी पर किए हैं, तो अलग कहां से हुआ, सभी के लिए सेम ही हुआ ना। लेकिन उसमें क्या था, बीच बीच में ब्लैंक स्थान छोड़े हुए थे जहां पर आपको नाम भरना था, डेट भरनी थी, प्लेस भरना था, बस इसके अलावा और कुछ करना नहीं था, और नीचे लॉर्ड माउंटबेटन को सिग्नेचर करने थे, लेकिन वो नाम ही इतना बड़ा लिखते थे। मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ये इंटरनेट पे मिल जाएंगे, उनका वो किस तरीके से नाम लिखा है देखो, आप पढ़ेंगे यदि जम्मू एंड कश्मीर का, तो उन्होंने लिखा मैं इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराजा धीराज हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर नरेश तथा तिब्बत आदि देशों का अधिपति जम्मू एंड कश्मीर राज्य का शासक, इतना लंबा नाम लिखते थे, इतने में तो यूपीएससी का निबंध पूरा हो जाए, इतना लंबा नाम लिखा करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये मानने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि ब्ले पत्र में कुछ अलग लिखा हुआ है, वो सभी रियासतों का ब्ले पत्र सेम ही है जो जम्मू एंड कश्मीर का है, क्योंकि एक ही समय में टाइप हुआ था, अलग अलग समय में टाइप नहीं हुआ, 1947 का ही टाइप हुआ है, बस डेट अलग है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यूएन की, यूएन में क्या हुआ, जब भारत सरकार यूएन में गई तो ब्रिटेन और अमेरिका भारत के अगेंस्ट आए, तो जवाहरलाल नेहरू को इससे बहुत प्रॉब्लम हुई, वो जो सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया कि यहां तो मेरे साथ धोखा हो गया। अब 21/4/1948 को यूएन का रेजुलेशन आया, यूएन का रेजुलेशन आया, यूएन का रेजुलेशन आया। अब इस रेजुलेशन में है क्या, ठीक है, आप यदि इसका इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो इसके 1.5 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, इस 1.5 पेज में मोटा मोटी क्या लिखा है, मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर मैं प्रकाश डालूंगा।
ठीक है। वैसे तो 1.5 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं इसे, ठीक है। अब किस तरीके से मैं इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं वो देखिए। पहला मैं इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं सीज फायर ऑर्डर से, और दूसरा कर रहा हूं ट्रूस ट्रूस एग्रीमेंट, ट्रूस एग्रीमेंट, और तीसरा है हमारा अदर्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीज फायर ऑर्डर की। सीज फायर ऑर्डर क्या है? सीज फायर ऑर्डर है जिस वक्त दोनों सेनाएं युद्ध को रोकेंगी, जिस जगह पर युद्ध रुकेगा, जिस दिन युद्ध रुकेगा उसी जगह पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी जाएगी। फिर से मैं बता दूं सीज फायर ऑर्डर क्या है, जिस दिन ये युद्ध रोकेंगे, दोनों सेनाएं युद्ध को रोकेंगी, जिस जगह पर युद्ध रुकेगा उसी जगह पर एक लाइन बन जाएगी, कंट्रोल लाइन बन जाएगी, जिसे बोलते हैं LOC। क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये युद्ध रुका 31/12/1948 को, 1 जनवरी 1949 से युद्ध नहीं हुआ, 31/12/1948 तक ये युद्ध चला है। इस दिन ये स्टॉप हो गया था, और उस दिन जहां पर ये सेनाएं थी वहां पर LOC का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। LOC के इस तरफ आजाद कश्मीर, और भारत उसे बोलता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर की कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग इस समय पाकिस्तान के पास है और 2/3 हिस्सा भारत के पास है। भारत जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसे POK बोलता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर बोलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रूस एग्रीमेंट की। अब ट्रूस एग्रीमेंट क्या है? यह सबसे डिबेटेबल एग्रीमेंट है और जो भारत के पक्ष में है। जब मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन की बैठक हुई थी उसी समय में मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मान लिया था कि हमारे सेना के कुछ सैनिक ट्राइबल मुस्लिम की सेना में शामिल हैं, और यह भी माना था कि जो ट्राइबल मुस्लिम की सेना है वो हम ही ने भेजी है। इसके प्रमाण भी भारत ने दिए थे। तो जब इस बात को उन्होंने मान लिया था, स्वीकार कर लिया था, तो UN में भारत की तरफ से इस बारे में अपना पक्ष रखा गया, और उसके तहत जो निर्णय आया वो भारत के पक्ष में आया। क्या इसमें मोटा मोटी किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है पहली चीज कि सबसे पहले पाकिस्तान ने यह माना है कि उनकी सैनिक, उनकी सेना के कुछ सैनिक कश्मीर में आए हैं, सबसे पहले वो अपने सेना के सारे सैनिकों को और अधिकारियों को वापस बुलाएगी। दूसरा, उन्होंने यह भी माना है कि हमारे देश के जनजातीय लोग जो कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं वो भी कश्मीर में हैं, कुछ ऐसा बंदोबस्त करें उन्हें भी वापस आने के लिए कहें और उन्हें वापस बुलाएं। ये इस एग्रीमेंट में लिखा है। तीसरा क्या पॉइंट लिखा है? जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब UN की एक रिपोर्ट भारत को भेजी जाएगी, तब जाके भारत अपनी सेना को श्रीनगर से धीरे धीरे पीछे करेगा और कुछ दिनों के बाद श्रीनगर से बाहर ले जाएगा। जब तक पाकिस्तान अपने सेना के अधिकारियों को नहीं बुलाता है और जनजातीय लोगों को नहीं बुलाता है तब तक भारत की सेना वहीं पर रहेंगी। यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी। जब तक पाकिस्तान पीछे नहीं जाएगा तब तक भारत वहीं पर डटा रहेगा। अब बात करते हैं अदर्स की। अदर्स में क्या लिखा हुआ है? अदर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब लोकल प्रशासन व्यवस्था करेगा जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह के बाद ही कश्मीर की जनता डिसाइड करेगी कि वो भारत में जाना चाहता है या पाकिस्तान में जाना चाहता है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब ये सारी चीजें हुई क्यों? ऐसा क्या कंडीशन हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू जी को यह करना पड़ा?
उनकी नियत पे शक मत कीजिए। इसके समझने के लिए आपको हैदराबाद को समझना होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा समझते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद को समझेंगे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि हैदराबाद ने क्या कर लिया था, स्टैंड सील एग्रीमेंट साइन कर लिया था, ठीक है। उन्होंने 29 नवंबर 1947 को क्या कर लिया था, स्टैंड सील एग्रीमेंट कर लिया था। स्टैंड सील एग्रीमेंट यानी कि एक साल तक तुम भी कुछ नहीं करोगे और हम भी कुछ नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, जून आते आते हैदराबाद के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूं। हैदराबाद का राजा था निजाम, वो सातवां निजाम था वहां का, और उसका नाम था, ठीक है, तो वो सबसे अमीर राजा था, सबसे अमीर। मैं सबसे अमीर भारत में नहीं, दुनिया में। टाइम्स पत्रिका के फ्रंट पेज पे उसकी फोटो भी छपी है उस टाइम पे, इतना अमीर था उस टाइम पे, ठीक है। तो आप देखो कि जब सबसे अमीर है तो उस वक्त में क्या है, उसकी अपनी आर्मी थी, रेल सेवाएं उसकी थी, डाक विभाग भी उनका था अपना। जब उनकी इस आर्मी भी है, रेल सेवाएं भी हैं, डाक भी है, तो आप सोच सकते हो कि वो कितना अमीर होगा। और उस वक्त में आबादी और पैसे के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसे फिर भी छोड़ना नहीं चाहते थे कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो उस समय में क्या हुआ, उस समय में यहां प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। यहां का एक संगठन है MIM, MIM संगठन जो है वो संगठन आपने अभी भी देखा होगा, MIM संगठन जिसके सांसद हैं भी हैदराबाद से ओवैसी साहब, अभी भी ये संगठन चल रहा है। ये रेडिकुलर मुस्लिम का एक संगठन था जिसे पूरी छूट दी हुई थी, किसने, निजाम ने। जब निजाम ने पूरी छूट दी हुई थी तो इन्होंने क्या काम किया, एक ऐसा संगठन बनाया जो उग्रवाद संगठन था। मैं उग्रवाद बोल रहा हूं, आतंकवाद नहीं बोल रहा हूं। जो हिंसा करे वो तो आतंकवाद, जो हिंसा ना करे वो उग्रवाद, ठीक है, समझ में आ गया। उग्रवाद क्या है, उग्रवादी संगठन बनाया जिसका नाम था रजाकार। क्या था, रजाकार। रजाकार मतलब अपनी मर्जी से, रजाबंदी भाई, अपनी मर्जी से जो भी आए, ठीक है। कासिम रजवी ने यह संगठन बनाया था। कासिम रजवी उसमें बहुत ही ऐसा व्यक्ति था जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराने में सबसे बहुत आगे था। कहते हैं कि रजाकार सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए गए थे तो वहां पे उन्हें धमकी देके आ गए कि आपने हैदराबाद के खिलाफ कुछ भी स्टैंड लिया तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। एल एंड्रयूस वहां के सेनापति थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हैदराबाद के थे, उन्होंने लिखा है कि निजाम ने मुझे इंग्लैंड भेजा था बंदूकें लेने के लिए, और वहां पे एक होटल में उन्हें उनकी मुलाकात लॉर्ड माउंटबेटन से हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि आप यहां क्या कर रहे हो, वो बोले कि मैं अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए आया हूं। और कुछ समय के बाद उन्होंने किसी दूसरी एजेंसी के साथ ये डील कर ली कि हमें बंदूकें चाहिए, लेकिन भारत ने उनके जहाज भारत में नहीं आने दिए, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घटित होती, ठीक है। और इसके साथ ही ये समझ लो कि ये लोग भारत के खिलाफ इतना थे कि इन्होंने पाकिस्तान से ये पूछा था कि यदि हम भारत के खिलाफ युद्ध करें तो क्या पाकिस्तान हमारा सपोर्ट करेगा। तो पाकिस्तान ने जवाब दिया था कि मैं मुट्ठी भर अभी जाते लोगों के लिए अपने देश का नुकसान नहीं कराना चाहता, मैं तुम्हारा सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करूंगा। वो क्या चाहते थे, निजाम की बात उन्होंने पुर्तगालियों से करा दी, पुर्तगालियों से कहा कि आपको हैदराबाद के साथ मिलकर काम करना चाहिए। निजाम से बोला गया कि आप गोवा में एक बंदरगाह बनाओ और जिसका उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो भारत को इस बात का बहुत डर था कि कहीं पाकिस्तान के साथ
इनका पैचअप ना हो जाए। तो उन्होंने क्या क्या काम किया, रॉबर्ट बूचर उस समय में हमारे सेनापति थे, क्योंकि उस समय में अंग्रेज थे हमारे देश में और सेना किसके पास थी, अंग्रेजों के पास ही थी। उस समय में एम करियप्पा, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एम करियप्पा जो फील्ड मार्शल है भारत के, सरदार वल्लभ पटेल ने उनको बुलाया और उनसे पूछा। एस के सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में यह लिखा है, एस के सिन्हा उस समय उनके साथ ही थे और एस के सिन्हा बाहर रुके और जो है एम करियप्पा सरदार पटेल से मिलने के लिए 5 मिनट की बैठक हुई होगी। 5 मिनट में उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, क्या बिना किसी अतिरिक्त सहायता के यदि पाकिस्तान युद्ध करे तो बिना किसी अतिरिक्त सहायता के हम उसे संभाल सकते हैं, क्या हमारी फौज में इतनी ताकत है कि यदि पाकिस्तान अटैक करे तो हम उसे इस स्थिति में संभाल सकते हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारा युद्ध चल रहा है, यानी कश्मीर में युद्ध चल रहा है। तो एम करियप्पा ने जवाब दिया, हां संभाल सकते हैं। तो बस इतनी देर थी और वो बाहर आए, उनसे बोला कि ठीक है आप एक काम करो, हैदराबाद पर अटैक करो। ठीक है, वैसे इसकी तैयारियां अगस्त में कर ली गई थी, लेकिन जो प्रूफ है वो है 6 सितंबर का। 6 सितंबर को पूरी सारी व्यवस्था कर ली गई और 13/9/1948 को भारत की सेना हैदराबाद के लिए भेज दी गई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जाओ। और इस सेना को भेजने के लिए जवाहरलाल नेहरू से सहमति भी नहीं ली थी सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू से नहीं पूछा था। क्यों? जवाहरलाल नेहरू को हमेशा लगता था कि ये कहीं ऐसा मामला ना बन जाए जो यूएन तक चला जाए और मेरी जो है पॉपुलरिटी पर कहीं कुछ आंच ना आ जाए, इस वजह से वो नहीं चाहते थे। और दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन के की जो बात थी उनको बहुत ज्यादा मानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन कहते थे इस मामले को शांति के साथ हमने क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। 13/9/1948 को सरदार पटेल ने बिना उससे पूछे सेना भेज दी और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे अपने चौधरी जी। सरदार पटेल ने बोला कि जाओ एक दिन में खत्म कर दो। लगभग 5 दिन लगे, 18/9/1948 को वहां के जो सेनापति थे वो भी यूरोपियन थे, उन्होंने सरेंडर की घोषणा कर दी। रेडियो पर इसका अनाउंसमेंट किया गया कि हैदराबाद की सेना ने सरेंडर कर दिया है और राजा वहां से भाग गया और कासिम रजवी को पकड़ लिया गया, जेल डाल दिया गया और कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया गया, वो पाकिस्तान भाग गया। इस डर से कहीं ये मामला उलझ ना जाए, इसी वजह से इस मामले को यूएन ले गए थे नेहरू जी। तो अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से धारा 370 आई, किस तरीके से इसको हटाया जा सका, वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी लगी तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है, जिससे कि हम आगे इसी तरीके की कुछ अलग और स्पेशल जानकारी आप लोगों को देते रहें। धन्यवाद।